समर सामाजिक परिपत्र नंबर एक, समर सामाजिक सर्कुलर नंबर एक जो पूरे देश में और देश के बाहर समर समाज में जाएगा। प्रिय समर सामाजिक संगठनों जैसे समर धम्म संगठनों, समर संत महापुरुषों पर आधारित संगठनों, समर सामाजिक दल बल सैन्य प्रकार के संगठनों, समर सामाजिक कूटनीतिक राजनीतिक संगठनों, समर बुद्धिजीवी संगठनों, समर कर्मचारी संगठनों व अन्य प्रकार के समस्त समर संगठनों, समर समाज के हम लोग आपको अपना नेता नायक मानते हुए जानते हुए आपके द्वारा दी गई समस्त प्रकार की सेवाओं का आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आपने समस्त समर समाज को 6,743 जातियों उपजातियों को संगठित करने के लिए दसियों हजार संगठनों का निर्माण किया। हमको संगठित करते करते आप स्वयं 10,000 से भी ज्यादा टुकड़ों में बट गए, जो नुकसान देश को 6,743 जातियों से हो रहा था वह अब 10,000 से भी ज्यादा टुकड़ों में बटने से और ज्यादा होने लगा। एक शब्द में कहें तो आपने 10,000 से भी ज्यादा और जातियों का निर्माण कर दिया। अतः देश हित में, समर समाज हित में यह परिपत्र हम समर समाज के द्वारा जारी किया जाता है कि आप सभी समर सामाजिक संगठन तुरंत प्रभाव से 14 अप्रैल 2020 तक एक केंद्रीयकृत समर सामाजिक संगठन कार्य प्रणाली का निर्माण करें, जिसके अंतर्गत सभी समर सामाजिक कार्य एक ही केंद्र से संचालित हों, एक विचार, एक समाधान, एक आय व्यय, एक आंदोलन संरचना, एक धम्म संघ संत महापुरुष, एक नियम व उपनियम संहिता, हजारों शाखाएं, लाखों उपशाखाएं व करोड़ों पदाधिकारी एक ही संगठन के अंतर्गत व सभी संविधान के गुण गणतंत्र पर आधारित, क्योंकि व्यक्ति प्रधान व्यवस्था वमन सामाजिक है और गण प्रधान गण नायक व्यवस्था समर सामाजिक है प्राचीन काल से। अतः आप हमें उपरोक्त गण पर आधारित एक केंद्रीयकृत समर कार्य प्रणाली की व्यवस्था दे पाएंगे, ऐसी हमें आशा व पूर्ण विश्वास है। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आप एक केंद्रीयकृत समर कार्य प्रणाली देने में असफल रहे, तब समर समाज के करोड़ों कामयाब योग्य काबिल हुनरमंद व समझदार पूर्वक युक्तियों को मौका दें। 14 अप्रैल 2020 को यह समर समाज आपके द्वारा स्थापित केंद्रीयकृत समर कार्य प्रणाली का स्वागत अभिनंदन करेगा। वह आपके द्वारा यदि प्रयास असफल होता है तब उसी दिन संसद मार्ग नई दिल्ली भारत से अपना अगला परिपत्र जारी करेगा। समस्त समर समाज की मंगल कामनाओं से इसमें बीडी बोर्ड के साथ इसमें साइन कर गए हैं विजय भौती और इसमें संदीप वाल्मीकि जी कर गए हैं। हमारी पूरी टीम का इसमें साइन आएगा। शाम 8 नवंबर 2019 आंध्र भवन अशोक रोड नई दिल्ली भारत से जारी है और बाकी हमारी टीम इस पर साइन करेगी। और जो लोग आप इस पर साइन करना चाहें, क्योंकि ये पूरे देश में जाएगा और इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में लगातार होगा। जो रिजल्ट आएगा जैसा आएगा, क्योंकि जैसा समर समाज चाहेगा वैसा होगा। हमारी अपनी इसमें कोई रणनीति नहीं है, करना भी आपने है, हमें सिर्फ आपको जगाना है। कोई प्रश्न कोई उत्तर अगर हो तो ये धर के लोग हैं, आपको जवाब देंगे। इनका कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिए, बैठ जाते हैं। बाकी मीडिया है जो इंटरव्यू लेना चाहे दे सकता है। एक बार क्लियरिफाई कर दीजिए, समर समाज जो है वो उसका अर्थ क्या है? समर समाज का अर्थ है समता, समानता, शांति, निरंतर सच्चे संत भारत के लोग, और जो इसके उलट हैं वो वमण होते हैं। ये पाली भाषा का शब्द है। सभी साथियों को यह भी उन्होंने बताए, मेरा नाम प्रोफेसर धर्मपाल पीहर है, मैं हैदराबाद से आया हूँ और वहाँ पर हैदराबाद की बहुत ही प्रसिद्ध जो यूनिवर्सिटी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसमें हिंदी भाग में अध्यक्ष रहा हूँ और वहाँ तीन पद से मैं वहाँ सेवानिवृत्त हुआ। 2013 में मैं सेवानिवृत्त हो चुका और मेरे जो जीवन का लक्ष्य प्रारंभ से ही अम्बेडकर जी का प्रचार प्रसार करना था, इसका कोई
सभी को जय जी। मेरा नाम एम के बोलकर है, वैसे मैं रहने वाला नागपुर का हूँ। मैं 73 से कांचाम के साथ में जुड़ा हूँ, 79 से मध्य प्रदेश पार्षद का इंचार्ज रहा हूँ 2001 तक। उसके बाद में मैं बहुजन समाज पार्टी का महासचिव रहा हूँ मध्य प्रदेश में। उसके बाद में 2016 से दो जन सोशल फ्रंट हमने बनाया है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सभी साथियों को जय भीम। मैं एनडी घोरपड़े, मैं पुणे से हूँ महाराष्ट्र, और 1980 से बौद्धिक का कार्य कर रहा हूँ जो कंश्राम साहब के विचारों पर चल रहा है, और आज तक वही काम कर रहा हूँ। उन पर ही मेरा पूरा विश्वास है, किसी और संगठन का निर्माण भी नहीं किया हूँ कि उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं मेरा योगदान समझता हूँ। यही मेरा आपको परिचय भी है। मैं भिक्खू डॉक्टर करुणा सिंह राहुल 14 साल से भिक्खू के रूप में काम कर रहा हूं। उससे पहले मैं हरियाणा सरकार में वेटरनरी सर्जन था, और केवल एक ही काम है, बौद्ध का प्रचार और प्रसार। हरियाणा से संबंध रखता। मेरा नाम संदीप केशकर है, मैं एफटीएन जनरल मैनेजर हूं और पैगाम संस्था का एक कार्यकर्ता हूँ। पैगाम का काम मैंने दिल्ली में पिछले 3-4 महीने शुरू किया था। मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली से बॉम्बे से दिल्ली हुआ, तो 10 दिसंबर 1916 को पहला प्रोग्राम किया था हमने गांधी पीस फाउंडेशन में, और धीरे धीरे ये काम बढ़ते बढ़ते पिछले साल तालकटोरा स्टेडियम प्रोग्राम किया था हमने। इस साल भी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली राज्य अधिवेशन रखा है 25 दिसंबर को। तो मैं इस मूवमेंट में ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, अभी नया नया मैं सीख रहा हूँ आप लोगों से। पिछले साल 3-4 साल से ही एक्टिवली काम कर रहा हूँ, उसके पहले मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस मूवमेंट के बारे में। और आप लोगों का मार्गदर्शन और मिलेगा तो शायद इस काम को अच्छे से हम कर सकते हैं। सबको जय भीम नव बुद्धाय। मेरा नाम संदीप है, मैं दिल्ली सुधारण में मोतीलाल नेहरू में। और जैसा कि बोर्ड की तरफ से अब सवाल आ रहा है कि उनकी बेचैनी है, तो मेरा मानना है कि बेचैनी दोनों तरफ से वही शुरुआत हो रही है, तो इसका वेलकम हमें करना चाहिए। आज जो आयोजक मंडल ने जो एक नया सिलसिला किया है कि वार्तालाप का, जैसा पर्चे में आपने देखा एक शब्द आपातकाल, ये आपातकाल तो बहुत पहले से है सर, अब जब जाकर तब सर्वे है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए आपको मैं स्वागत करना चाहूँगा। एक संगठन है दिल्ली में भारतीय समाज निर्माण संघ, उसकी यहाँ पर मैं बात करने के लिए आया, और उसका ये है कि मेरा एक उम्मीद भी है कि जैसे मैंने सर्वे बताया 3:30 हम हाल छोड़ देंगे, 5 बजे 5 बजे तक पहले हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला तय कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। सभी साथियों को नमस्कार बताया जाएंगे। मैं आपसे बहुत व्यसन से 2017 में अकाउंट बाकी सबके पास, जब मैं सेवा में था लखनऊ, लगभग 7 साल तक माधव मानते राम साहब मुझे पंजाब लेवल और प्रदेश लेवल पर भी मौका मिला, और रिटायरमेंट के बाद बहुत। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम राजकुमार है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। औपचारिक रूप से किसी भी संगठन का अभी तक सदस्य नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत विचारधारा के लिए अपने आप को समझता हूँ, और माननीय काशीराम साहब को अपराध। सभी साथियों को जय भीम। एक्चुअली मेरा नाम जो है पिताजी का दिया हुआ शिव शंकर सिंह था, उससे मैं आता हूँ महाराष्ट्र में नौकरी करने गया, तो शिव शंकर रामकमल सिंह हो गया, कोई एसआर सिंह रहा। अभी इंडियन बैंक January 15 से मैं अपने को शुद्ध शिव शंकर सिंह यादव हूँ, एक परिस्थितियों के अनुसार नाम हमारा चेंज होते आया है। मैं 82 में ही एक नाटकीय घटना से हो सकता है कि मैं पहला जाता था जो भाम से इंडिया हो गई,
उसके बाद जब तक वो जिंदा थे तब तक मैं लगन से काम किया। कुछ दिनों के बाद जो है विचारधारा के कारण जो है हमारी कुछ कमियां थी, हमारी कुछ जो भी कहिए उससे दूरियां होगी, लेकिन बराबर कोशिश करता रहा कि समाजवादी और बहुजन एक साथ जुड़ते रहे, लेकिन सफलता कभी नहीं मिली। उसमें मैं एक किताब 89 में बहुजन चेतना किताब लिखा, जब कांसीराम और मुलायम की गवर्नमेंट बनी थी तो बहुजन चेतना बड़ी फेमस बुक थी। इसके बाद मैंने 15 में जो है दोनों को कंबाइन करने के लिए स्पेशली बुक लिखा माननीय चेतना। सबको क्रांतिकारी विजय भी। मेरा नाम फिलिप क्रिस्टी है और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट, जो पूरे देश में इस वक्त काम कर रहा है। और हमारा एक बहुजन यूथ ब्रिगेड है जो पिछले 2 साल से हम लोग चला रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय साथी। मेरा नाम संदीप कुमार वाल्मीकि है, वाल्मीकि कुछ लोगों पैसे से वकील था पहले, फिर एक्सीडेंटल एमएलए हैराम जी थी हमारे के लिए। और मैं एक छोटी सी बात कहूँगा उसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा अभी। और मैं आप सबसे छोटा हूँ और आप सबको फॉलो भी करता हूँ, नया पेड़ करवाते हूँ, ज़्यादा दिन नहीं है, 3-4 साल में सीख रहे हैं, लेकिन एक हार्ड लाइन पे रहेंगे, इसी लाइन पे चाहे कुछ रहे, प्राण जा सकते हैं लेकिन अम्बेडकर वाद हमारे अंदर से नहीं जा सकते। प्रभु साथी आप सभी उत्क्रांति का करेंगे। मेरा नाम विजय बोध है और दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोगों ने अपना डिपार्टमेंट बना रखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोलॉजी रिसर्च, उसका मैं फाउंडर एम्प्लॉइज हूँ और वहाँ पर लाइब्रेरी देखता हूँ। और जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली थी उस जगह पर जो है एक एक्सीडेंटल भत्ते के हाथों जो है संगठन बनाना पड़ा, जिसका नाम रखा आज दो इंडिया। पीछे बरैया जी के साथ जो मैं से प्रभारी के तौर पर किया है और दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। मायसेल्फ हेमंत पी आर अम्बेडकर, फुल फॉर्म परशुराम रणधीर अम्बेडकर, जन्म झांसी उत्तर प्रदेश, सर्विस अंडर सीएजी, चंडीगढ़, ग्वालियर, नागपुर और महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। कांशीराम जी के साथ 1977 जब मैं चंडीगढ़ में था तब संपर्क में आया और तब से आज तक उस मिशन से जुड़ा। इस समय मैंने जलगांव में महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग नाम के यूनिवर्सिटी टाइप की संस्था को जन्म दिया, जिसमें 2 फैकल्टी सिखाई जाती है जो इंडिया में कहीं नहीं सिखाई जाती। पहले जाति शास्त्र विद्या विभाग, फैकल्टी ऑफ कल्चर ऑफ द कास्ट, और दूसरा इसका इलाज फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल, और थर्ड एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ अशोका द ग्रेट जॉन द ग्रेट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सभी को मेरा जय भीम। मेरा नाम नाहर सिंह है और मैं आगरा से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में एक कर्मचारी हूँ, विकास अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और 2002 से सामाजिक कामों में मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो प्रारंभिक तौर से बामन वैश्राम जी की जो वांगसेप है उसमें काम शुरू किया था, उसको समझने के लिए। समझने के बाद जब मैं उसको थोड़ा बहुत समझ पाया तो मैंने उसको छोड़ा और आगरा स्तर पर एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा नाम से एक संगठन बनाया। तो आगरा में आज से 2.5 साल पहले, जैसे आज सुधीर जी ने और आर वी सिंह साहब परिवारियों ने आज ये कार्यक्रम किया, मैंने 2 साल पहले आगरा में ये काम किया था और उन लोगों के साथ मिलकर के विशेष जो हमें सानिध्य प्राप्त हुआ वो पी आर अम्बेडकर साहब का हुआ। आज इनकी विचारधारा था, मैं प्रबुद्ध भारत की कल्पना करता हूँ, एक उस पर और एक मानवर कांशीराम महानायक कांशीराम साहब ने कहा था, मैं सम्राट अशोक, मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत होगा, उसी परिकल्पना पर अपना काम कर रहा हूँ और सतत करता रहूंगा। बाकी जो सदन तय करेगा, अगर सामाजिक आंदोलन के लिए किसी प्रकार की कोई भी स्टेप उठाता है तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए तैयार हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। साधु मैं हिम्मत सिंह दिल्ली से ही हूँ और इससे पीछे से तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और 91 से राजनीतिक सामाजिक जब स्टूडेंट था तब से और अब तक उसी काम में लगा हुआ हूँ। शुरुआत हुई थी मार्क्सिस्ट फिलासफी से और अभी पूरे बहुजन फिलासफी पे काम कर रहे हैं, पूरे मतलब राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, आर्थिक चेतना, जो भी आप कह सकते हैं उसको।
और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सामने सवाल हैं वो कम से कम एक एजेंडे के रूप में यहाँ से निकले, और इसी की उम्मीद के साथ और साधुवाद मैं आप लोगों को करता हूँ कि एक बड़ा कोई वेंचर यहाँ शुरू हो सकता है, तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं केवीन योगी, मैं ऐसे दिल्ली से हूँ और पिछले 40 सालों से मजदूर वर्ग के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। विभिन्न कैपेसिटी पर मैंने काम किया और हिंदू पाक और कोई इंटरनेशनल कमेटियों में मैं मैंने शिरकत करते रहा हूँ। समझते हैं कि एक बहुजन विकल्प की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि अभी एक राजनीतिक एक डेमोक्रेसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह। मैं बीडी बोलकर हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुत 1970 से काम कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 10 साल, बोलनेवासी संघ का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ 2 साल, और अभी 2 साल पहले एक पार्टी बनाई पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम बीपी सिंह है, मैं लॉ से एक्टिविस्ट हूँ और अभी हम BS4 अभियान पे काम। जय भीम जय बुनियासी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ में कार्यरत हूँ। मेरा नाम बेटो शैलव फर्नांडस है, मैं ऑल इंडिया कृष्ण माइनॉरिटी फ्रंट का तमिलनाडु स्टेट ऑफिसर हूँ। लास्ट 20 इयर्स आई सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज फॉर लाइफ टाइम। सभी को जय हो, मैं धर्मेंद्र सिंह बुलंदशहर से। हम लोगों की एक संस्था है टैक्सी, जो अभी नई है, 1 साल पहले बनी है। 1 साल पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम बुलंदशहर में किया था, बुद्धिस्ट एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से है, उसमें लोगों ने लगभग में भाग लिया था। और जिले में जहाँ भी एक्ट्रोसिटी की घटनाएं होती हैं या कहीं गरीब उत्पीड़न की या कहीं कचहरी में जरूरत पड़ती है, कोर्ट में जरूरत पड़ती है, हम लोगों के पास एडवोकेट की विंग भी है, डॉक्टर्स की विंग भी है, हम लोग उसमें मदद। साथियों सभी को जय हिंद, मेरा नाम महेश चंद्रा है और मैं झांसी बुंदेलखंड से चलकर आया हूँ बड़े भाई सुनील जी के आह्वान पर। और मेरे संगठन का नाम भारतीय बहुजन संगठन है, जो शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता है। जय भीम। जय भीम साथियों, मेरा नाम विराज कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। धन्यवाद। मैं सर आर्थिक बिंदुरिया, रिटायर्ड 15 ईयर्स बैक फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आईएमबी, और अभी मैं RSVS से एक संस्था है हमारे राष्ट्रीय समन्वय विकास संघ, और मैं आपके की आपके आकाशवाणी दूरदर्शन के हमारे एसोसिएशन जो है उसके घर पर देखते उससे भी लगा हूँ। और अभी मैं समझो कि अब मैं उससे सीख रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। गुड मॉर्निंग, activist, I am pleased to present my sincere thanks to Mr. R.V. Singh for calling me as a guest. Thank you. I am from Delhi, I am an activist. Along with that, also you are serving somewhere or doing some profession, please tell. Because I don't believe in individual upliftment. Let me be very plain. Because as he said, it will take long time. If you could give me afterwards 2-3 minutes, I will talk about an issue which we have to collectively do. Thank you. Thank you. मैं नवाब, लगभग 35 वर्ष। आप एक आम आदमी की रूप का टारगेट हैं। प्रेम क्या बोलने वाले? नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आरे आवाज आ रही है। कार्यरत हूँ, मेरा नाम विनोद निगम है, मेरा नाम कार्यरत रक्षा मंत्रालय हूँ।